दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि बुलेट ट्रेन का इंजन एक विशेष प्रकार का एरोडायनामिक आकार का क्यों होता है? चलिए इसकी कहानी बताते हैं। बात है 1964 की, जब जापान में बुलेट ट्रेन एक टनल से क्रॉस हो रही थी। टनल से क्रॉस होते समय बुलेट ट्रेन की गति से हवा जब टकराई तो स्थिरता 70 डेसिमल तक की आवाज़ उत्पन्न हुई, जो कि 400 मीटर तक की दूर पर सुनाई दे रही थी। इसी परेशानी से वैज्ञानिक बड़े परेशान हुए, समाधान खोजने के लिए दिमाग लगाना शुरू कर दिए। इसी बीच एक जापान के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आजी नकात्सु। उनका ध्यान गया एक बर्ड जिसका नाम है किंगफिशर। किंगफिशर पक्षी जब अपने शिकार को पकड़ता है तो उसकी एरोडायनामिक चोच के कारण पानी में बिना टर्बुलेंस क्रिएट करे शिकार को उठाकर गायब हो जाता है। बस यही वो दिन था जब बुलेट ट्रेन को एरोडायनामिक शेप दिया गया। फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।